हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका अपने ही चैनल जिसका नाम है NSTG काइट लव। तो आज का दोस्तों वीडियो मैं बना रहा हूँ टाइप्स ऑफ अद्दी काइट के ऊपर, कि कितने तरीके के अद्दी काइट्स हैं हमारे पास और कितने कितने फर्मे की हैं। वैसे लगभग से ऑलमोस्ट सभी तरीकों की अद्दी काइट हैं, पर हर फर्मे की है। तो दोस्तों पहली पतंग मैं आपको दिखाना चाहूँगा, चब ये जो रखी है आपको चब, अब आपको उठा के दिखाता हूँ कैसी है। ये देखिए दोस्तों, आपके इसके कांप ठड्डे दिखा दूंगा। पहले कलर देख लीजिए, चप्पा है दोस्तों, लेटा चप है, खड़ा चप नहीं है। ये देखिए दोस्तों, कांप ठड्डे सब सिके हैं, भुने हैं। देखिए दोस्तों, एक पतंग मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ कैसी है। ये देखिए दोस्तों, एकदम भारी पतंग है दोस्तों, दूर के पेज की। ये देखिए दोस्तों, एकदम बढ़िया पतंग है, टेम्पर ठड्डे के साथ बहुत बढ़िया पतंग है ये, भारी। और इसके बाद अगली आ गई ये नीली पतंग। ये पहले दिखाते हैं दोस्तों आपको कैसी है। ये देखिए दोस्तों, तो दोस्तों ये दूसरी पतंग है, ये है कन्हैया लाल की, गोल फर्मे की। वो पतंग तो जी थे पर वो थी दोस्तों दानिश की, मुरादाबाद की पतंग है बेसिकली दोस्तों। ये नीली पतंग आ गई, ये गोल फर्मे की पतंग है कन्हैया लाल की। ये देखिए दोस्तों, इसके भी कांप ठड्डों में काफ़ी अच्छा वर्क करा गया, फिनिशिंग देख लीजिए एक बार आप पतंग की दोस्तों, काफ़ी अच्छी है। ये देखिए दोस्तों, उल्टी करके दिखाने को कहूँगा मैं। ये देखिए दोस्तों, अब आप इसकी फिनिशिंग देखिए, पत्ता वत्ता देख लीजिए, बहुत शानदार इसकी फिनिशिंग है, जोड़ वोड़ काफ़ी अच्छे हैं इसके। और कन्हैया लाल की मोहर भी मैं दिखा देता हूँ दोस्तों आपको, कौन सी मोहर लगाता है कन्हैया लाल। ये देखिए दोस्तों, ये है कन्हैया लाल की मोहर। अब इसके कमांड ठड्डे एक बार चेक कर लेते हैं कैसे हैं दोस्तों, वर्क देख लेते हैं कमांड ठड्डे में क्या करा गया है। ये देखिए दोस्तों, काफ़ी सारी पतंग तो हमने लड़ा भी नहीं दोस्तों। ये भी देखिए, काफ़ी टाइट पतंग है, बढ़िया एकदम गोल फर्मे की पतंग है दोस्तों, हम टाइट ही लाते हैं। ये देखिए, ठड्डा भी इसका काफ़ी भारी है, टेम्पर नहीं है दोस्तों, भारी ठड्डे पे है ये पतंग। काफ़ी बढ़िया इसकी क्वालिटी है पतंग की, सजेस्ट कर सकता हूँ दोस्तों मैं आपको लेने के लिए। मुरादाबाद में कन्हैया लाल है हमारे, नंबर में आपको पहले पिछली वीडियो में बता ही चुका था, अपनी मेरी जो मेरी बीती हुई वीडियो थी उसमें मैं आपको बता चुका था नंबर। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट पतंग कौन सी है, काफ़ी अच्छी पतंग थी दोस्तों ये। अब नेक्स्ट पतंग की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ये अभी मैं हाल ही में ही पतंगें लाया था, दो तीन हफ्ते हो गए होंगे दोस्तों इन पतंगों को लाए हुए। आसिफ की पतंग है, क्वालिटी देखिए आप एक बार, फर्मा देखिए दोस्तों आप, लंबे फर्मे पे नहीं है ये दोस्तों, हल्का सा गोल और लंबे के बीच का फर्मा है, मीडियम पे। ये देखिए दोस्तों, चौड़े सीने पे, चौड़ा सीना ही बता दूँ। ये देखिए दोस्तों, इसकी कमानी जो है इतना गोल है ना सामने, बिल्कुल चौड़ा सीना ऐसे कहते हैं दोस्तों, चौड़ा सीना। देखिए बिल्कुल सीधी सीधी कमानी है इसकी, ना गोल ना ज़्यादा ढीली है, ना गोल है बिल्कुल, ठीक है। पत्ता देख लीजिए आप, इसका पत्ता काफ़ी शानदार है। और इसके मोहर पे भी मैं आपको एक बार फोकस करके दिखा दूँ। ये देखिए, ये इसका नंबर यहाँ से आपको मिल जाएगा, स्क्रीनशॉट लेके आप भी मंगा सकते हैं मुरादाबाद की कारीगर हैं आसिफ, काफ़ी अच्छी पतंग है इनकी। इससे मैंने काफ़ी शानदार पेज काटे हैं दोस्तों, ऊपर से गद्दा मारने में काफ़ी अच्छी है ये पतंग। अब इसके कमांड ठड्डे आपको एक बार दिखा देते हैं कैसे हैं। ये देखिए दोस्तों, काफ़ी भारी पतंग हैं ये भी दोस्तों, मीडियम और भारी दोनों ही पतंगें होती हैं। जैसे हम 100 पतंगें लेते हैं तो उसमें मीडियम और भारी दोनों ही तरीके की पतंगें होती हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, कितनी भारी इसकी कमानी है। और आपको ठड्डा भी दिखाते हैं, जंपिंग दिखाते हैं दोस्तों, ठड्डे ही कैसी है। ये देखिए दोस्तों, कितना बढ़िया इसका ठड्डा, और देखिए दोस्तों कितना बढ़िया सिका हुआ ठड्डा है, कहूँगा मैं पास ला के दिखाने के लिए। ये देखिए दोस्तों, कितना बढ़िया एकदम सिका हुआ इसका ठड्डा, ये देखिए काफ़ी अच्छा इसकी ठड्डे पर वर्क करा हुआ है। देखिए दोस्तों, टेपिंग हम पहले से ही कर चुके हैं इस पतंग पे। ये देखिए दोस्तों, यहाँ सब में टेप लगे हुए आपको लग रहे होंगे, ये कन्ने पे भी लगाते हैं, इससे कन्ना बांधते हैं। तो यहाँ से इसकी एक काका छटने की वजह से ना दोस्तों, कन्ना जो है छिल जाती है सदी और कन्ना टूट जाता है। देखिए दोस्तों, टेपिंग पहले से हुई भी है इस पर, पत्ते सब पे कर रखा है हमने, टेपिंग कर रखी है। और पतंग की फिनिशिंग देखिए आप एक बार, कितनी शानदार ये पतंग है। कमान देख के आपको समझ आ रहा होगा, बैलेंस पतंग है एकदम, कोई कमान लगाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, एकदम सीधी पतंग होगी हमें पता है कन्ना लगाने के बाद, काफ़ी अच्छी है पतंग है। अब नेक्स्ट पतंग की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, ये पट्टीदार पतंग आ गई है। ये देखिए दोस्तों, ये पट्टीदार पतंग आ गई है, ये भी दोस्तों दूर के पेज की भारी पतंग है काफ़ी ज़्यादा। फिनिशिंग आप इसकी भी देख लीजिए, काफ़ी अच्छी फिनिशिंग है, टेपिंग हमने सारी पतंगों में पहले से ही कर रखी है। ये दूसरी पट्टीदार है दोस्तों, इसे पलटेंगे ज़रा। ये देखिए दोस्तों, ये लाल पट्टीदार है और इसके पीछे जो है ये गुलाबी पट्टीदार है, पत्ता दोनों में ब्लैक ही है दोस्तों। पहले वाली पतंग आप देख लेते हैं, गुलाबी वाली देख लेते हैं दोस्तों पहले कैसी है। ये देखिए दोस्तों, ठड्डा और कमाने दोनों सिके विके हैं, इसकी कमानी देख लेते हैं दोस्तों, कितनी भारी पतंग है ये।
ये देखिए दोस्तों, सब पतंगे लोडेड हैं। गोल फर्मिंग की जितनी पतंगे हैं हमारे पास दोस्तों, सब लोडेड ही लोडेड है। ये देखिए दोस्तों, काफ़ी अच्छी कमानी है इसकी, काफ़ी अच्छा ठड्डा है। दानिश की पतंग है, एक बार मोहर पे आपको फोकस करके मैं दिखा देता हूँ। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ से आपको नंबर मिल जाएगा दोस्तों दानिश का। अब नेक्स्ट पतंग की और आपको लेके चलते हैं दोस्तों। जो नेक्स्ट पतंग है वो आपको दिखाते हैं, लाल वाली जो थी। ये देखिए दोस्तों, इसकी भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी है दोस्तों। इसकी कमानी वमानी देख लीजिए आप, काफ़ी भारी पतंग है। ये देखिए, बस इतनी ही मुड़ती है, इतनी ही फ्लेक्सिबल है कि इतनी मुड़ता है बस। बहुत भारी पतंग है दोस्तों ये, सब 800 900 1000 1200 गज पर लड़ने वाली हड्डियाँ हैं। ये देखिए ठड्डा भी दोस्तों, जंपिंग बिल्कुल है ही नहीं इस ठड्डे में, काफ़ी भारी ठड्डा, काफ़ी भारी इसकी कमानी है। ये देखिए काफ़ी भारी कमानी है, काफ़ी भारी ठड्डे पर। और टेपिंग हमने दोस्तों इस पर पहले ही कर रखी है, टेपिंग हम दोस्तों सब पतंगों में कर देते हैं। और अपने पतंग वाला बैग जो रखा है हमारा, ये वाला, इसमें हम दवाई भी छिड़क के रखते हैं और टेपिंग भी करके रखते हैं, इससे पतंग हमारी ख़राब नहीं हो। वैसे ज़्यादातर चलती नहीं है हमारी पतंग, एक साल भी कोई पतंग रखी रहे तो मुश्किल है, लेकिन रखी है फिर भी हम पे काफ़ी सारी पुरानी पतंग, 1-1.5 साल पुरानी एक आती पतंग होगी तो उससे ज़्यादा नहीं रखते हैं, पुराना स्टॉक नया स्टॉक ही रखते हैं, सारी पतंग उड़ा देते हैं पुरानी वाली। ये देखिए दोस्तों, काफ़ी अच्छी इसकी फिनिशिंग है, टेपिंग करी गई है। देखिए दोस्तों, इसके पट्टी पर भी टेप करा करिए आप, वरना हवा तेज़ हवा में इसकी पट्टी जो है खुल जाती है। ये रखी हुई पतंगे हैं दोस्तों, 4-5 महीने हो गए इन पतंगों को तो हमारे पास। ये देखिए, जिनसे हम लाए थे उनके पास ही रखी हुई थी 4-5 महीने से, अभी अभी लाए हैं हम इसे, 2-3 महीने 2-3 हफ्ते पहले ही लाए थे हमें। ये देखिए दोस्तों, इतना बढ़िया इसकी कमानी, और ठड्डा भी काफ़ी अच्छा है इसका। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट पतंग की और। नेक्स्ट पतंग है दोस्तों, इसकी लग्गू पतंग है दोस्तों, काली कन्हैया लाल की है दोस्तों ये। ये देखिए दोस्तों, लग्गू है, सब गोल फर्मे में पतंग थी, बस वासिफ की लंबे फर्मे में थी, बाकी सब गोल फर्मे पे। ये देखिए दोस्तों, लग्गू पतंग है, जिसमें पत्ता नहीं होता उसे दोस्तों लग्गू कहते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमने टेप लगा रखा है क्योंकि इसमें ये पट्टी जोड़ी हुई है, काली पतंग में पट्टी जोड़ी हुई है, और इसकी काफ़ी अच्छी लग्गू है। ये देखिए, ये दिखा देते हैं दोस्तों आपको इसकी मुहर पर भी एक बार, कन्हैया लाल की है दोस्तों ये भी। ये देखिए दोस्तों, ये मुहर लगाते हैं दोस्तों कन्हैया लाल जी, और ये इसकी पट्टी थी जब ताजी बन के आई थी पतंग, हमने धूप लगा के इस पर ये टेप लगा दिया था इस पट्टी पे। ये देखिए दोस्तों, ये सामने से आपको पट्टी दिखेगी। ये देखिए दोस्तों, और ये काफ़ी अच्छे इन्होंने छोटा सा पत्ता लगा रखा है, लग्गू पतंग है तो दोस्तों इसमें पत्ता नहीं है, और ये भारी पतंग है दोस्तों। ये देखिए, ये भी काफ़ी भारी पतंग है, दूर पर ही दूर के लिए ही बनवाई थी दोस्तों हमने, भारी पतंग है ये, सब गोल फरमे पे पतंग है। ये देखिए दोस्तों, टेपिंग भी करी हुई है इस पतंग में, काफ़ी अच्छी पतंग है दोस्तों ये, कांप ठड्डे देख लीजिए इसके, काफ़ी अच्छे हैं दोस्तों। देखिए, अब लेके चलते हैं आपको दोस्तों नेक्स्ट पतंग की, और ज़्यादा टाइम मैं आपका लूँगा नहीं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा वीडियो को ज़्यादा ना लंबा करते हुए। ये भी दानिश की पतंग आई है, गोल फर्म है बिल्कुल, ये देखिए परफेक्ट गोल है बिल्कुल। ये देखिए, ये मोहर दिखा दी आपको, और ये देखिए डमरू है बिल्कुल, बहुत हैवी हैवी पतंग है दोस्तों ये वाली। ये देखिए दोस्तों, कितनी हैवी पतंग है। ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल टेम्पर कमानी है, मतलब लो स्टार तो नहीं है दोस्तों बिल्कुल, क्योंकि भारी पतंग है। ये देखिए दोस्तों, इससे ज़्यादा इसका ठड्डा भी ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है, और ज़्यादा कमानी भी फ्लेक्सिबल नहीं है, भारी पतंग है दूर के पेज की। ये देखिए, एक बार फिनिशिंग देखिए दोस्तों आप इसकी पतंग। ये देखिए दोस्तों, इसके जॉइंट वॉइंट पर काफ़ी अच्छा वर्क करा गया है। ये देखिए दोस्तों, काफ़ी अच्छा इसमें डोरा पत्ता भी चढ़ाया गया, ये थोड़ा सा डैमेज हो गया दोस्तों, ये आने जाने में हो जाता है। ये देखिए दोस्तों, काफ़ी अच्छा है, इस पर बस हमने टेपिंग नहीं करी दोस्तों। अब नेक्स्ट पतंग की और लेके चलते हैं दोस्तों आपको, आसिफ की पतंग आ रही है दोस्तों ये अगली वाली, ये भी आसिफ की पतंग है दोस्तों ये वाली जो है काली, ये भी बिल्कुल सेम ही फरमा है दोस्तों, बिल्कुल सेम फरमा है दोस्तों। ये भी देखिए आप, वही नीली वाली की तरह है सेम फरमा, मोहर भी वही है, एक ही कारीगर की है, एक ही साथ हम लाए थे नीली काली पतंग। ये देखिए दोस्तों, इस पर भी टेपिंग हुई हुई है, काफ़ी अच्छी है पतंग। एक पतंग मैं आपको अलग से निकाल के दिखा देता हूँ दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, इसकी भी काफ़ी अच्छी कमानी है, ये दोस्तों टेम्पर है, सभी ऊपर से गद्दा मारने में नीचे के पेज बढ़िया बढ़िया लड़ जाते हैं इन पतंगों से, खींच तान के जो हमारे खिंचाइए हैं क्लब में वो ये पतंगे लड़ाते हैं दोस्तों, तेज तेज हाथ जिनका चलता है, और जो फंसाने का पसंद करते हैं जो थोड़े फैटी लोग हैं, मोटे लोग हैं, या जो थोड़ी उम्रदार लोग हैं, वो हमारे यहाँ हमारे क्लब में भारी पतंग उड़ाना पसंद करते हैं। बाकी मार तोड़ वाले, दो टुकड़े के पेच वाले, सब ये वाली पतंग उड़ाना पसंद करते हैं, तेज चाल फेल करती है। नेक्स्ट पतंग की ओर लेके चलते हैं आपको दोस्तों, ये चील काट फर्मे में लाल पत्ता है, काफ़ी अच्छी पतंग है।
ये देखिए दोस्तों चील काट पतंग पतंग है, ये देखिए दोस्तों कैसे चील काट है। ये देखिए दोस्तों इसकी कमानी बिल्कुल सीधी है, देखिए यहाँ से गई है और बिल्कुल सामने सामने होकर चली गई है, चौड़े सीने पे है दोस्तों ये देखिए बिल्कुल। और ठड्डा इसका काफ़ी अच्छा है, अद्दी की पतंग है दोस्तों। और चील काट कैसे है, ऐसे है देखिए चील काट। ये जो लंबा फर्म होता है दोस्तों, ये लंबा ना करके हल्का सा सीधा आता है जैसे यहाँ से यहाँ पे, तो ये कमानी के सीर में नहीं रख के हल्का सा ये ऐसे करके काट देते हैं, आड़ा करके गोलाई कर देते हैं, इस वजह से चील काट पतंग है। देखिए दोस्तों ये भी अच्छी पतंग है, चौड़े सीने पे देखिए दोस्तों यहाँ यहाँ पे इसके ज्वाइंट है, यहीं तक मुड़ेगा इसकी कमानी, इससे अंदर नहीं मुड़ेगी कमानी, कुंदे इसके बारीक है, कमानी इसकी यहाँ पे भारी है। देखिए दोस्तों ये देखिए दोस्तों मुड़ूंगा तो बस यहीं तक मुड़ेगा, ये जो यहाँ इसके ज्वाइंट है बस यहीं तक मुड़ेगा, ये देखिए दोस्तों। और ठड्डा भी इसका बढ़िया है, एकदम टेम्पर काफ़ी अच्छी है पतंग है दोस्तों, लाल पत्ते में काफ़ी अच्छा इसका वर्क है, बहुत तेज चाल फेर है दोस्तों इसकी। ये देखिए दोस्तों कैसे नोक बनी हुई है इसकी, 18 रुपये की पतंग दोस्तों ये हमें पड़ी है मुरादाबाद के जैन साहब से ली थी हमने, तो ये 18 रुपये की हमें पतंग पड़ी है। नोक देखिए कितनी तेज चाल फेर है इसकी, आप उससे समझ सकते हो काफ़ी अच्छी है पतंग। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट पतंग की, और ये भी दोस्तों आसिफ की ही पतंग है नेक्स्ट वाली ये, लेकिन दोस्तों ये है प्योर लंबा फर्म में। ये देखिए दोस्तों पूरी ब्लैक पतंग है और ब्लैक पत्ते में, ये देखिए दोस्तों पत्ते में भी काफ़ी अच्छी इनकी फिनिशिंग है। ये देखिए दोस्तों ठड्डा देख लीजिए आप, कमानी देख लीजिए, काफ़ी अच्छा इन्होंने कमानी ठड्डे में अपने वर्क करा गया। एक पतंग में आपको इसकी निकाल के दिखा देता हूँ, ये देखिए दोस्तों काफ़ी अच्छी ये पतंग है फिनिशिंग। ये देखिए दोस्तों कुछ पतंग दोस्तों इनकी भारी भी हैं, कुछ हल्की भी हैं, जिसकी वजह से काफ़ी अच्छा रहता है, जिसको हल्की उड़ानी पसंद है वो हल्की उड़ा लेता है, जैसे भारी उड़ानी पसंद है वो भारी उड़ा लेता है, ये नहीं है ज़ोर ज़बरदस्ती कि सारी भारी है तो सारी आप भारी उड़ाएं। इसलिए दोस्तों बढ़िया बढ़िया पतंगें हैं, देखिए आप कितनी सारी पतंगें थी हम पे, ऐसा नहीं है कि दोस्तों एक एक चौक आपको देख दिखाने के लिए निकाल के रखा, वैसे हैं सब बल्क में ही सब पतंगें, क्योंकि हम बल्क में लाते हैं दोस्तों, सब पतंगें हम पे बल्क में ही रहती हैं। आपको इसी पतंग निकाल लीजिए, बहुत बढ़िया निकलेगी, बहुत बढ़िया पतंगों की परफॉर्मेंस रही है काफ़ी। एक पिछले गेम जो लड़ा था उसमें मैंने एक पतंग उड़ा के आखिरी में 8 पेच काट के उतार ली थी, 70 मार दिया था दोस्तों इस पतंग से, काफ़ी अच्छी ये पतंग है, ऊपर का हाथ से तो अभी तक बहुत बढ़िया रही है दोस्तों ये पतंग। तो यही था दोस्तों आज का छोटा सा कलेक्शन हमारा, टाइप्स ऑफ अद्दी के ऊपर हमने वीडियो बना दी थी, कौन कौन सी अद्दी हम पे कौन कौन से फर्मे की हैं और कौन कौन से कलर हैं, ये सब चीज़ें हमने दिखा दी आपको अद्दी में। अब आप देख लेना आपको कौन सी लेनी है, मुरादाबाद की दिखाते हैं हम, क्योंकि हैं ही दोस्तों मुरादाबाद के, और कहीं की लाएंगे तो दिखाएंगे, अभी तो मुरादाबाद में ही और नए नए कारीगरों से हम लेते जा रहे हैं। अभी हमारा अगले हफ्ते नई स्टॉक आएगा तो आपको वो भी दिखा देंगे दोस्तों। मिलते हैं फिर दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। इस वीडियो को दोस्तों कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और कमेंट सेशन में आके ये ज़रूर बताना कि कैसा लगा आपको ये वीडियो, कौन सी पतंग आपको सबसे अच्छी लगी, कौन से कारीगर की आपको पतंग सबसे अच्छी लगी, कौन सा फर्मा आप उड़ाना ज़्यादा पसंद करते हैं, गोल या लंबा, आप अपनी भी चॉइस आके कमेंट सेशन में बता सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर गाइज़।